हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। कैसे हैं आप लोग? देखिए दोस्तों, यूपीपीसीएस जी के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं और उसका एक अलग महत्व है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर को रिलेट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके वर्तमान चीफ एक या दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और आई होप यहाँ से एक या दो क्वेश्चन के लग ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्वागत है आपका। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें। तो देखिए, महासचिव यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के हैं जो इसके महासचिव हैं अभी, ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गाय राइडर जो यूके के हैं, महानिदेशक आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कोस बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोस, क्रिस्टिन लेगार्ड फ्रांस के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल के महासचिव जार्गेन स्टॉक जर्मनी के हैं। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक जो है जिम योंग किम दक्षिण कोरिया। फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है और आप मुझे यूएनओ का मुख्यालय भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन कृषि संगठन के महानिदेशक जोस ग्रांजियानो डेसिस हैं, ठीक है। अध्यक्ष अफ्रीकी संघ के अफ्रीकी नेशंस के वो है इदरीस डेबी चार्ड गणराज्य के हैं, ठीक है। WTO विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रावटो डी आजावेटो ब्राज़ील के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद कर लेना और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके टेड्रोस एधानॉम गेब्रेयेसस इथोपिया के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देख लेना। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, वो है मिरोस्लाव लेजसेक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनमें से आपको 100% क्वेश्चन आना है, इसको आप याद रख लें। नेक्स्ट है महासचिव राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल में 53 कंट्रीज आती हैं जिसमें भारत भी है, पेट्रिशिया, ठीक है, और बेरोनेस पेट्रिशिया बेरोनेस ये हैं स्कॉटलैंड के। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केवी कामत वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है महासचिव दक्षेस अजमत हुसैन और बी सियाल, ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है, और दो हैं। उसके बाद महासचिव महानिदेशक हैं संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन बालकोस के एंटनी लेक यूएसए के, ठीक है, और महासचिव आसियान के महासचिव हैं आसियान कंट्रीज़ के ली लियांग मिने वियतनाम के, महासचिव नाटो के जेंस स्टॉल्टेनबर्ग नार्वे के, ठीक है फ्रेंड्स, और एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष जो हैं वो है ताकेहिको नाकाओ जापान के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष कौन है, वह है युकियो एमानो जापान के, अध्यक्ष हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन गुट के, ये हैं निकोलस माडुरे वेनेजुला के हैं। यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं रानी अब्राहिम फ्रांस के। तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, प्लीज़ उनका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायालय यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत में कब हुई थी, जिन्हें NGT बोलते हैं, कौन से सन में हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना जो है, ठीक है, वो किससे संबंधित है, सुकन्या समृद्धि योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, रानी सूरी रत्ना किस भारत के किस धार्मिक शहर से जुड़ी हुई है, बस मुझे ये तीन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें।